हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 29 दिसंबर 2022 है और आज हम फिर से बच्चों को लेके एक अनोखी जगह जा रहे हैं, बटरफ्लाई क्रीक, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। और हम रेडी हैं अपनी टेस्ला में बच्चों के साथ जाने के लिए। टेस्ला के लिए भी एक और वीडियो मैं डालूंगा जिसमें मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊँगा जो कि काफ़ी यूनिक है। तो थोड़ी देर में हम बटरफ्लाई क्रीक पहुँच जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि बटरफ्लाई क्रीक में क्या यूनिक है। हेलो एवरीवन, हम पहुंच गए हैं बटरफ्लाई क्रीक और यहाँ पे काफ़ी कुछ है करने के लिए बच्चों के लिए। एक फार्म एनिमल्स के लिए एक एरिया है और एक छोटा एक्वेरियम टाइप है जहाँ पे काफ़ी फिशेस हैं और डायनासोर किंगडम है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइज़ के डायनासोर्स हैं जो कि रियल होते हैं और उनके बारे में काफ़ी नॉलेज आपको मिल सकती है, कौन से टाइप के डायनासोर हैं और कब थे। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, स्पेशली काफ़ी रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडाइल फीडिंग भी आप देख सकते हो जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। और स्पेशल फीचर है जो यहाँ का, क्योंकि इसका नाम बटरफ्लाई क्रीक है, एक बटरफ्लाई एरिया जहाँ पे काफ़ी सारी बटरफ्लाइज हैं जिनको आप हाथ में ले सकते हो और आपके ऊपर आके बैठते हैं और काफ़ी रंग बिरंगी काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलिए अभी हम जाके देखेंगे अंदर थोड़ी देर में। Which animal is this, Sarah? Llama. What? At butterfly creek, it's a llama. Thank you.
ये देखो ये खरगोश बाहर आ गया, तो बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है उसको पैट करने में। ये पैट स्लाइड से नीचे आना चाहती है, लेकिन वो इतनी डरी हुई है, उसको पता नहीं स्लाइड से क्यों डर लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रही है। लेट्स सी इफ शी कैन डू इट। रनिंग अवे। यू हैव टू कम हियर। सिया गो टू दैट वन।